मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मूवी सूर्यवंशी की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन। बॉलीवुड में भी डर फैल चुका है कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से। कई फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को पोस्टपोन और रीस्केड्यूल करने का सोच रहे हैं ताकि वो लॉसेस से बच सके। एस केरला, दिल्ली और भी स्टेट्स में कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि थिएटर्स, स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके चलते मूवी सूर्यवंशी, जो मार्च में रिलीज होने जा रही थी, अब इस मूवी की रिलीज पोस्टपोन हो चुकी है। पहले ये मूवी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से इस मूवी की रिलीज को ऑन होल्ड रख दिया गया है। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, बस ये कंफर्म्ड है कि ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। कैटरीना कैफ और मलाइका अरोड़ा का सिमिलर जिम लुक। कैटरीना कैफ और मलाइका अरोड़ा दोनों ही ऐसे सेलिब्स हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने फोटोज डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स में पोस्ट करती देखी जाती हैं। वही दोनों का बॉलीवुड में फैशन सेंस बहुत अच्छा माना जाता है और उनके फैंस उनके ये लुक्स देखना काफी पसंद करते हैं, चाहे वो रेड कार्पेट लुक हो, एयरपोर्ट लुक हो या जिम लुक हो। मलाइका और कैटरीना को सारे आउटफिट्स में रॉक करते देखा जाता है। वहीं हाल ही में दोनों को सेम जिम वेयर पहने देखा गया, यहाँ तक कि कलर भी सेम था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों ने न्यूट कलर के जिम पैंट्स और टॉप पहने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही इसमें काफी स्टनिंग लग रहे हैं। सारा अली खान ने बताया कि दूसरी शादी करने के बाद भी क्या सैफ अली खान है एक अच्छे पिता। सैफ अली खान की जब से शादी हुई है करीना कपूर खान के साथ, वो काफी खुश नजर आते हैं। इस मैरिज में वो काफी इन्वॉल्व भी नजर आते हैं। उनको करीना को हमेशा सपोर्ट करते देखा जाता है, वहीं दोनों को हमेशा साथ में देखा जाता है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है हर बार कि क्या वो करीना के संग शादी करने के बाद अमृता और उनके बच्चों को भूल गए हैं और ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। वहीं सैफ ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक एब्सेंटी फादर हूँ, ऐसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ है। वहीं सारा अली खान ने भी हाल ही में कहा कि सैफ अली खान एक बहुत ही अच्छे पिता हैं, जो हमेशा उनका साथ देते हैं और टाइम से उनको सपोर्ट भी करते हैं। इंस्टाग्राम पर रोहित शेट्टी ने किया कैटरीना कैफ को अनफॉलो। रोहित शेट्टी को कैटरीना के फैंस और नेटिजन्स ने काफी स्लैम किया था, एज रोहित ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर रणवीर, अजय और अक्षय एक ही फ्रेम में हो तो नो वन विल वॉच यू। ये स्टेटमेंट सुनकर नेटिजन्स काफी गुस्सा हो गए हैं। वहीं उन्होंने हैशटैग शेम ऑन यू रोहित का ट्रेंड भी शुरू कर दिया। वहीं कैटरीना कैफ ने भी इस पर एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि एक सीन था जिसमें उन्होंने अपने आईज ब्लिंक कर दिए थे और पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस पर रोहित ने सिर्फ इतना ही कहा था कि पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और चार लोग हैं तो कोई आपके ब्लिंक को नोटिस नहीं करेगा। उनका ये कहने का मतलब नहीं था और मुझे डिसरिस्पेक्ट करने का भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित को इस बात का काफी बुरा लग गया है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैटरीना कैफ को अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, अब रोहित नहीं करते हैं कैटरीना कैफ को फॉलो। इस तरह से आमिर खान सेलिब्रेट करेंगे अपना बर्थडे। हर साल आमिर खान को अपना बर्थडे फैंस और मीडिया के साथ सेलिब्रेट करते देखा जाता है, एज वो अपने घर के बाहर केक कट करते हैं अपने फैंस और मीडिया के साथ। लेकिन इस साल वो अपने बर्थडे पर फैंस के साथ नहीं स्पेंड करेंगे। वेल, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्टर अभी अमृतसर में है और अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं। आमिर का बर्थडे 14 मार्च यानी कल है और वो अपने बर्थडे इस साल काम करके बिताएंगे। इससे उनकी डेडिकेशन का पता चलता है उनके काम के लिए, जो काफी इम्प्रेसिव है। वहीं आमिर खान की मूवी में करीना कपूर भी नजर आएंगी। ये मूवी इस साल क्रिसमस में रिलीज हो रही है। इस हफ्ते की मोस्ट वायरल पिक्स आई सामने। बॉलीवुड में सिर्फ फिल्म करके एक्ट्रेसेस पॉपुलर नहीं होती है, लेकिन एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है कि वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव नजर आती हैं और कितने पिक्स अपने फैंस और फॉलोअर्स के संग शेयर करती हैं। वही एक्ट्रेसेस को अलग अलग लुक्स में फोटोशूट कराते देखा जाता है।
इस वीक की सबसे वायरल एक्ट्रेसेस की पिक की बात करें तो नाम आता है वाणी कपूर का। वाणी कपूर यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही है इस पिंक अनारकली सूट में। वहीं पूजा हेगड़े का ये आउटफिट भी काफी चर्चे में बना हुआ है। कुछ और वायरल पिक्स की बात करें तो नाम आता है आतिया शेट्टी के इस आउटफिट का। वहीं मलाइका का ये शेयर लुक ने इंटरनेट पर धमाका कर दिया था इस हफ्ते। विकी कौशल की अगली मूवी द इमोर्टल अश्वत्थामा के डिटेल्स। विकी कौशल की रीसेंट मूवी भूत पार्ट 1 तो इतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन वो गियर्ड अप है अपनी अगली मूवी के लिए। ये मूवी है द इमोर्टल अश्वत्थामा। ये मूवी एक ट्रायलॉजी होगी जिसकी शूटिंग ऑल ओवर इंडिया की जाएगी। वहीं इसकी शूटिंग अब्रॉड में भी की जाएगी। इस मूवी के लिए विकी 115 kgs वेट करेंगे। वहीं इस फिल्म की शूटिंग से पहले विकी को 4 months की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इस मूवी के लिए विकी मार्शल आर्ट्स और भी तरह के आर्ट सीख रहे हैं। इस मूवी को फिल्म मेकर्स 2020 के एंड में रिलीज करने का सोच रहे हैं। वहीं इस मूवी के लिए विकी को काफी मेहनत करते देखा जा रहा है। इस मूवी के अलावा विकी कौशल अगली मूवी मल्टी स्टारर फिल्म तख्त में भी नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण ने शेयर किया शकुन बत्रा की फिल्म से स्नीक पीक। दीपिका पादुकोण की अनटाइटल फिल्म शकुन बत्रा के साथ कुछ टाइम से काफी बस क्रिएट कर रही है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे भी नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन फेज चालू हो गया है और हाल ही में इस मूवी की फिटिंग्स के दौरान दीपिका ने एक स्नीक पीक शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। इस मूवी में काम शुरू हो चुका है। वहीं इस मूवी की शूटिंग भी जल्द चालू होने के आसार नजर आ रहे हैं। अपना वेब डेब्यू देने जा रही है माधुरी दीक्षित। जहां आज की दुनिया में कई बॉलीवुड स्टार्स वेब की दुनिया में स्टार कर रहे हैं और पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं, जैसे राधिका आप्टे सैफ अली खान, वहीं एक और एक्ट्रेस अपना वेब डेब्यू देने जा रही हैं। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड की क्वीन खुद माधुरी दीक्षित नेने हैं। माधुरी का ये वेब सीरीज धर्मा प्रोडक्शंस बना रहा है जिस पर 4 बड़े डायरेक्टर्स काम करने वाले हैं। वहीं इस मूवी की स्टोरी थोड़ी थोड़ी लेट श्रीदेवी से सिमिलर है। फैंस वाकई में काफी एक्साइटेड है माधुरी को वेब स्क्रीन पर देखने के लिए। क्यों देखनी चाहिए आपको मूवी अंग्रेजी मीडियम। इरफान खान, करीना कपूर और राधिका मदान की मूवी अंग्रेजी मीडियम आज रिलीज हुई। इस मूवी को आप इसलिए देखना पसंद करेंगे क्योंकि इस मूवी में इरफान खान की एक्टिंग को स्पेक्टेकुलर बताया जा रहा है। वही करीना कपूर का कॉप के रोल में देखना काफी इंटरेस्टिंग है। मूवी का ऑल ओवर नरेशन काफी अच्छा बताया जा रहा है। फिल्म में इरफान और दीपक डोबरियाल की कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। वहीं इस पूरी फिल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज भी है और एक फादर डॉटर के रिलेशन को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट। Now buy Shake Chili's official merchandise only on the Soul Store. Coffee mugs, cool and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Shake Chili merchandises. Hurry up!